तो इस वक्त आप दिख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ में हर्षित। अपडेट की बात करें, नीमच के प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने शुक्रवार को प्रातः जिला चिकित्सालय नीमच में आयोजित दो दिवसीय स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विज्ञान और प्रायोगिक मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार, मनासा विधायक माधव मारू, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट एवं जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसपी सूरज कुमार वर्मा, जिला पंचायत सीईओ गुरुप्रसाद एवं अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दो दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले में नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस एस बघेल ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा गंभीर रोग ग्रस्त पीड़ितों लोगों की जाँच, उपचार व औषधि वितरण की जाएगी। जिले में अन्य नगरों से आए विभिन्न रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था यहाँ की गई है। स्वास्थ्य शिविर में अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर, लाहौटी हॉस्पिटल भोपाल और नीमच के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की जांच और उपचार किया गया, साथ ही औषधि वितरण की जाए। स्वास्थ्य मेले में ईएनटी, नेत्र रोग, हृदय रोग, गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी, हड्डी रोग, दंत रोग, कैंसर रोग, सर्जन यूरोलॉजी, पल्मोनरी, स्पीच थेरेपी, ऑडियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कटे फटे होंठ, शिशु रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, जन्मजात विकृति रोग सहित अन्य रोगों का विशेषज्ञों चिकित्सकों द्वारा उपचार प्रारंभ किया गया। शिविर में ब्लॉक लेवल से गंभीर बीमारियों के चिन्हित मरीजों को भी मेले में उपचारित किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड, हेल्थ आईडी कार्ड भी अतिथियों द्वारा वितरित किए गए। चिकित्सक तो अरविंदो मेडिकल कॉलेज से आए हैं, करीब 21 चिकित्सक आए हैं। नीमच जिले के भी यहाँ के चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं। और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, जिले के सभी लोग सेवाएं दे रहे हैं। आज और कल को भी चिकित्सक उधर काउंटर पर मिले थे, माध्यम से कैंसर है, कैंसर है, फिर न्यूरो सर्जरी है, सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, ग्राइंडिंग की जरूरत, सीवर बीमारियाँ है और गैर संचारी असंचारी जैसे डीबी हाइपरटेंशन, इन बीमारियों के लिए या तो जो मतलब आयुष्मान से कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं, उनका वहाँ फ्री इलाज होता है। सब सुखी रहे इसी मंगल कामना के साथ जिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सभी प्रकार की बीमारियों की जांच हो रही है, सिर्फ जांच नहीं होगी, उनका डाटा कलेक्शन होगा और उनको जहां जिस प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता होगी उस अस्पताल में भेज कर उनका पूरा होगा। मैं देख लेती हूँ असल में वो व्यवस्थाओं में होगा कि किसी के पास ठेका है, वो तो शुल्क साइकिल स्ट्रीम का नाम आता। अपडेट लगातार जानकारी के लिए मिले रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय जय भारत।